Hello students, continue part of the sets. This is the intersection of two sets. Intersection of two sets. Write down, let A and B are two sets, then intersection of A and B is the set of all those elements which belongs in A and in B. इसका मतलब है जो ए में भी है और जो बी में भी है, इसका मतलब जो दोनों में कॉमन है वो लिखने हैं. एंड राइट एज ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ए एंड X belongs in B. अब देखिए यूनियन में और डाला था, इंटरसेक्शन में एंड डालना है. इट मीन वेन एन डायग्राम. दिस द यूनिवर्सल सेट, दिस द ए, दिस द बी. इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, उसको देन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी. That is A intersection B. For example, here A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 2, 4, 5, 6. So what is A intersection B? यानी जो लिखने हैं जो दोनों में common है. यानी common क्या है? One इसमें है, इसमें नहीं है, तो one नहीं आएगा. इसमें टू यहां भी है, इसका मतलब एक तो टू आ गया. फोर यहाँ पर, थ्री यहाँ पर नहीं है, नहीं आएगा. फोर यहाँ पर है, फोर भी आ गया. फाइव यहाँ पर है, फोर फाइव भी आएगा. सिक्स यहाँ पर भी है, सिक्स आएगा. इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया 2, 4, 5 एंड 6. और लीजिए A माइनस वन जीरो वन टू, B फाइव, A इंटरसेक्शन B. अब मुझे बताइए जब B में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन का मतलब नहीं होता. इसका मतलब इसमें भी फाइव होगा. नेक्स्ट पार्ट, A set of even natural numbers. B set of odd natural numbers. A set of even natural numbers. B set of odd natural numbers. Then what is A intersection B? What is A intersection B? What is A intersection B? It means कोई common होगा ही नहीं. नहीं होगा. तो A हमारा even numbers है, B हमारा odd numbers है, तो common ही नहीं है, इसलिए वो five आएगा. Next question. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 2, 4, 6, 7. C 3, 5, 7. Find A union B intersection with C. Find A union B
इंटरसेक्शन विद सी, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ए यूनियन पी निकालना है। सबसे पहले हमें ए यूनियन पी निकालना है, फिर उसकी लेनी है इंटरसेक्शन सी के साथ। पहले ए यूनियन पी निकालिए। ए यूनियन बी में क्या रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब देखिए, आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी। अब दोनों में जो कॉमन है, इसमें इसमें देखिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। यानी 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और एसी का इक्वल आ गया। इट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी। और लीजिए क्वेश्चन, ए 2, 4, 5, 7, 9, बी 3, 4, 5, 7, 11, सी 1, 3, 5, 9। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद सी। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद सी। अब पहले क्या निकालेंगे हम, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो निकाल दीजिए। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आएगा, एक 4 आ रहा है, 5 है, 7 है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो दोनों में कॉमन है वो 4, 5, 7 है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद सी। सी के ऐड कर देंगे सर। अब देखिए आप सी के साथ यूनियन ले लो, 1, 3, 4, 5, 7 and 9। ए 1, 3, 4, 5, 7 and 9। इसको हम कहते हैं